ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରଗ୍ବି ଖେଳାଳି, ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଚ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କଲିଙ୍ଗ ଟିମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ୍ୟା ବୋଲିଙ୍ଗ ଆପ୍ କାଁ ସେ ଆଏ, କୌନ୍ ସେ ଟିମ୍ କା? ସାର୍ ହମ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେ କବିତ୍ରୀ ବହିନା ଭାଇ ଚୌଧୁରୀ, ନର୍ଥ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜଲଗାଓଁ ସେ ୟହାଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଁ ଆଏ ହେଁ। ଔର୍ ହମାରି ଟିମ୍ ନେ ଦୋ ସାଲ ପହଲେ ହମ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ ପେ किस कैंपस में ही आए थे, क्योंकि यहाँ पर रग्बी चलता था और यहीं पे सब टीम आदिवासी बच्चों का है। तो हमारे जलगांव में आदिवासी भाग की हमारी लड़कियाँ थी, तो हम उनको लेके आए दो साल पहले ट्रायल बेसिस पे मैच दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और दो साल में इन बच्चियों ने मेहनत किया और अभी इनको फल मिला और ये सुपर एट में क्वालिफाई होके और अभी इनको खेलो इंडिया में जाने का चांस मिला। तो इनको ओवरऑल जो मोटिवेशन है, जो इंस्पायरेशन है, वो ओनली किस के बच्चों से मिला है, किसकी लड़कियों को उन्होंने खेलते हुए देखा है। इनका इच्छा है कि उनके जैसा ही बनना है और अभी इनको दो साल हुए हैं। होप इस कंपटीशन में हमारा एम किस से मैच खेलने का है। आप डॉक्टर सामंत जी से मिले, तो उनसे क्या बातचीत हुई, कैसे इंस्पिरेशन मिला है? सर टू ईयर्स एगो हमें मालूम चला कि डॉक्टर सामंत जी ने ही रग्बी को इंडिया में लाया और रग्बी को इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया, एशिया तक, ओलंपिक तक, उनका रग्बी को वहां तक ले जाने में बहुत अहम रोल है। तो हमने यही सोचा कि इनके जैसा पर्सनैलिटी अगर हमारी तरफ भी हो जाए तो शायद हमारा महाराष्ट्र का रग्बी भी बहुत आगे जाएगा। आज उड़ीसा की तरह टक्कर का हमारा रग्बी आ जाएगा और आदिवासी समाज के लिए उनका जो योगदान है वो हम सभी आदिवासी कभी भूल नहीं सकते। हमारी टीम में 12 में से 8 आदिवासी बच्चे हैं, तो सब 8 आदिवासी बच्चे जो इन टीम के हैं वो सभी नंदुरबार के हैं। हम से तो किसी छात्र छात्री, आप आपके नाम बताइए और आप रग्बी में यहाँ खेलने के लिए आए हैं तो कैसे लग रहा है आपको? मेरा नाम वेशली धन सिंह गावित है, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। मैं गर्ल्स में गर्ल्स को ट्रायल देने के लिए काम करती हूँ और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है सर। पिछले साल हम आए थे, नेशनल के मैचेस थे यहाँ पे और अभी यहाँ आके बहुत चेंज हो गया। यहाँ पिछले साल थोड़ा अलग था, अभी बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, तो आके खाना पीना सब रहना बस सब अच्छा है। मतलब मैं पहली बार आई हूँ रग्बी में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ डेकोरेशन में सब अच्छे है। तो किस यूनिवर्सिटी से हम बहुत इंस्पायर हुए हैं, उनकी वजह से ही हम यहाँ पे आए, उनका गेम देख के ही हम यहाँ पे आए हैं। उनसे बहुत इंस्पायर भी हुए हैं हम। मेरी ये पहली यूनिवर्सिटी और पहला खेलो इंडिया का चांस है। थैंक यू। जो भी भाव में महाराष्ट्र खिलाड़ी मैंने आदिवासी खिलाड़ी किस यूनिवर्सिटी रग्बी को देखिकी उत्साहित होती और सेठ प्रेरणा पाई से यूनिवर्सिटी गेम्स खेलुंट